सुबह के बज रहे हैं यहाँ पे 9 और हम आए यहाँ पे चाय पीने आ चुके हैं। यहाँ पे इनकी सीरियस कोई बात चल रही है ना, अभी ये वाली ट्रिप खत्म ही नहीं है और ये ना नेक्स्ट ट्रिप की कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं। अरे भाई ये तो खत्म होने दो, है ना भाई। तो गाइस अभी चाय पीते हैं, फिर ना प्लान कर रहे हैं कि ना अब हम नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं वो अभी नहीं बताएंगे, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं। अभी चाय वाय पीते हैं, नैनीताल की माल रोड जाते हैं कि मॉर्निंग व्यू कैसा रहता है यहाँ पर। आ चुका है हमारा यहाँ पे चाय और बन आ चुके हैं, जो कि ना यहाँ पे बटर वाले बन मिलते हैं, बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ पे। देखो सब ने ये लिया, गौरी भाई ने भी, सही अपने भाई ने भी, अचार रखा हुआ है पराठे के लिए, अचार रखा हुआ है। माल रोड पे ट्रैफिक हो गया, बहुत शोर हो रहा है। भाई सोच रहे हैं यहाँ पे 12 और ये देखो जाम खत्म हो गया। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस लास्ट व्लॉग में देखा आपने हम नैनीताल घूम रहे थे और आपको माल रोड दिखाई दिन में, रात में हर टाइम आपको माल रोड दिखाई है। और अब हम कहाँ आ गए, हम ना रामनगर यहाँ पे ना जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं वो आपको पता ही चल जाएगा, क्योंकि हम अब ना वहाँ से जिप्सी करके जिम कॉर्बेट जा रहे हैं, जो कि आपको जंगल सफारी ना करके दिखाएंगे आपको बहुत बढ़िया कि ना मतलब कैसी रहने वाली है। और मेरे को ना कल ही न्यूज़ में आया था कि ना कल ही एक टाइगर ने ना अटैक किया था, मतलब टूरिस्ट पे ना जो अटैक किया था, तो उस गेट से हमें आज एंट्री नहीं मिल रही है फिलहाल। अभी देख रहे हैं कि ना यहाँ क्राउड भी बहुत आ रहा है, क्योंकि आज है सैटरडे तो इसलिए क्राउड बहुत ज़्यादा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि हमें मतलब जिप्सी मिल रही है नहीं, क्योंकि अभी तो बात हो गई है, उन्होंने आईडी हमारी ले ली है, तो जिप्सी की बात हो गई है। तो चलते हैं बाकी फटाफट से जिम कॉर्बेट चलते हैं। तो गाइस आ चुके हैं हम यहाँ पे कॉर्बेट फॉल में आ चुके हैं। इसकी ना एंट्री ना हमें 250 रुपये की पड़ रही है, एक मतलब 5 जनों की, लेकिन ना उन्होंने बोला कि ना 2 जनों की ना छूट रही है, क्योंकि ना 2 जने हमारे साथ लोकल है, गौरी भाई और पीके भाई जो है ना वो यहीं के लोकल है रामनगर के, इसलिए शायद उनकी टिकट माफ़ कर दिए। तो 3 जनों के 250 रुपये लग रहे हैं हमारे, वो टिकट लेने गए हैं। यहाँ साइड में गाड़ी लगाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरीके की एंट्री है यहाँ पे, मतलब हाईवे पे ही आपको राइट में दिख जाएगा कॉर्बेट फॉल। इससे अंदर आओगे आपको पहले यहाँ गाड़ी लगानी होती है, गाड़ी लगाते ही आपको वहाँ देखो ये टिकट काउंटर है, सही में खड़ा हुआ दिख रहा होगा इस गाड़ी के पीछे, वहाँ से आपको टिकट लेके आनी होती है। फिर आपको ये रूट मिलता है, देखो जंगल जैसा ये पूरा रूट ये देखने के लिए मिलता है। यहाँ से गाड़ी जाएगी अंदर, अंदर तक जाएगी, 2 किलोमीटर है मतलब मेन गेट से ना आपको 2 किलोमीटर का ही वो अंदर का रास्ता यहाँ पे मिलेगा जाने का। तो उससे पहले टिकट लेके अंदर जाओ। यहाँ पे साइड में आपको देखो ये देखने के लिए मिल जाता है आपको छोटे छोटे बढ़िया। ये देखो गाइस कुछ इस तरीके की टिकट मिलते हैं यहाँ पे, देखो मतलब 3 मेल की 250 रुपये दिए देखो, और गाड़ी नंबर डाला है हमारा। गाड़ी हमारी देखो वहाँ पे पार्क हो चुकी है, ये रास्ता पैदल पैदल का रास्ता है यहाँ पे, देखो थोड़ा सा ऐसे देखो पेड़ पड़ा हुआ है बीच में, फिर आपको पैदल का रास्ता मिल जाएगा। यहाँ पे साइड में आपको थोड़े थोड़े फॉल मिल जाएंगे, देखो पेड़ पे ऐसे चढ़ के ये जाना है ऐसे नीचे, और आपको यहाँ पे देखो ये भी और आगे जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे कि ना आगे कैसा है। आ चुके हैं हम यहाँ पे, देखो कॉर्बेट फॉल आ चुके हैं। यहाँ से देखो कॉर्बेट फॉल का जो व्यू है, और शांति देखो ये पानी का नॉइस सुनो, आप देख रहे हो कितनी शांति है आपको, देखो पूरे पानी की ना कितनी अच्छी आवाज देखने के लिए मिल जाएगी। ये ऐसा कुछ व्यू है यहाँ पे आते हैं, और ये देखो गाइस ये चेक करें आप। गाइस हो चुका है हमारा मैगी ब्रेक, गोरी भाई मैगी खाओगे और अभी मैगी और हमने 3 ही लिया है फिलहाल, गोरी भाई राजमा चावल खा के आए पीछे के साथ, अभी हम भी खाते हैं मैगी फटाफट से चलते हैं। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि ना आपको पता होगा कि 2 दिन पहले वीडियो भी वायरल हुई थी यहाँ पे जिम कॉर्बेट की ना, तो यहाँ पे ना अपना जिप्सी के ना जो क्या बोलते हैं
परमिट, हाँ जो परमिट है ना वो 85 हो रहे हैं और वो भी फुल हो गए। हमारी तो पूरी टीम ने देखो रेडी थी जाने के लिए, हमने गाड़ी भी पार्क कर दी थी और ड्राइवर को पेमेंट भी कर दी थी, लेकिन एट द एंड सब कैंसिल हो गया भाई। है भाई कैसा लग रहा है भाई कैंसिल होने के बाद, ये बताओ भाई। बहुत ही निराशाजनक रहा है। और देखो सबके मुंह देखो भाई, सब नाराज हो गए सारे। तो गोरे भाई ने मतलब सब कुछ प्लानिंग कर ली थी, ऐसे करेंगे, हमने व्लॉगिंग ही कर ली थी, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन ना अब यूँ बोल रहे कि ना मतलब जो राइड ना हो ही नहीं रही, सफारी ना हो ही नहीं रही है यहाँ पे। और क्योंकि ना वो जो सीन हुआ, जो नया ड्राइवर आया था उसने टाइगर के साथ कुछ ना छेड़खानी करी है, तो इसलिए मेन इशू ये हो रहा है। तो अभी हम कुछ सेटलमेंट और कुछ कर रहे थे कि मतलब हो जाए सफारी, पेमेंट भी होगी थी हमारी, तो परमिट का भी वो बोल रहे थे कि हो गया, लेकिन एट द एंड सब कैंसिल हो गया। तो अभी देख रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे। ये देखो गाइस, ये मशीन तो और भी अच्छी है एक बारी में, मतलब वहाँ से देखो साबुत का साबुत गन्ना डाला, यहाँ से निकल गया। वो जो वाली होती है ना उसमें तो बार बार गन्ना डालना पड़ता है, इसमें देखो सीधा एक बारी में देखो डस्टबिन में जा रहा है और पूरा निचुड़ के आ रहा है गंदी तरीके से। प्लान में बहुत सारी हेर फेर हैं, अदल बदली होने के बाद हम कहाँ जा रहे हैं, अब कहाँ जा रहे हैं, बैक टू कॉलेज जहाँ से यात्रा स्टार्ट की थी। हाँ बिल्कुल गाइस, जहाँ से हमने यात्रा स्टार्ट की थी वहीं जा रहे हैं अभी हम। भैया कौन सी जगह होगी, विक्रमपुर जगह पे आए हैं गाइस। और ये देख लो हम यहाँ पे पेट्रोल डलवा रहे हैं फटाफट से, पेट्रोल टैंक फुल करा रहे हैं। खेत ही खेत देखो, यहाँ पे व्यू भी बहुत अच्छा है भाई जी। यहाँ से पानी की बोतल लेके आए हैं, हमारे लिए हमने मंगाई थी। और ये देखो खेत पी के यहाँ आ गए हैं, पेट्रोल डल ही रहा है, खेत उधर के शानदार लग रहे हैं बड़े। ये देखो गाइस, तो गाइस आ चुके हैं हम यहाँ पे मुरादाबाद। और ये देखो हम बर्गर किंग आए हैं, ये देखो गाइस और बर्गर लिए हैं सबने अपने अपने, फटाफट से खाते हैं फिर चलते हैं, इन्हीं से मिलेंगे फटाफट। गाइस आ चुके हम जीजू के घर पे। और ये देखो सही है, मुझे देखो कैसे डिजाइन बना रहे सॉस में, खा ले यार चुपचाप है, ब्लॉग चल रहा है। ये देखो गाइस हमारे साथ ना श्रीनिका खेल गया, मुँह खेले थे कि ना मतलब पहले हाई फाइव किसको मिलेगा, श्रीनिका ने दिया पहले जीजू को फिर मेरे को, मैं जीता, लेकिन गौरव भाई को ना दो बार दिया है तो दो पॉइंट हो चुके हैं। ये देखो अभी भी चल रहा है गेम, अब दे दो हाई फाइव, दे दो हाई फाइव, हाई फाइव दे दो, नहीं अब नहीं पता चल जाए। गाइस हम निकल चुके हैं यहाँ पे दिल्ली के लिए, और यहाँ से ना मैंने ये दिल्ली वाली रोड पूरी पकड़ लिया, दिल्ली हाईवे पकड़ चुके हैं, जो कि यहाँ से दिल्ली कितने किलोमीटर है कोई गैस मारना चाहे, कोई भी गैस मार, 181 किलोमीटर है, तो गैस पूरा सही मारा है लड़के, एक किलोमीटर की तो चलो इसको छूट दी जाओ। जल्दी से जल्दी ना कुछ खाने, मतलब खाने तो हमने ना मतलब जी जो घर खा ही लिया था, कोई कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा हो अभी, वो पियेंगे रुकेंगे फिर। चार्ज टाइम हो रहा है और देखो हम कहाँ आए हैं, शिवा ढाबा। देखो क्या आ चुके हैं हम यहाँ पे, जो कि ना जस्ट ना गढ़ के ना एक किलोमीटर बाद गढ़ क्रॉस करते ही आपको शिवा ढाबा देखने के लिए मिल जाता है, और आप यहीं से आओगे शिवा ढाबा का बोर्ड दिख जाएगा बड़ा बड़ा, पहले ना हर बार ना मिनट में दिखता है कि कितने मिनट है शिवा ढाबा, फिर आप ऐसे ही आके ना लेफ्ट में आओगे आपको यहाँ पार्किंग मिल जाएगी शिवा ढाबा के लिए। ये देखो आ चुके हैं, कुछ हल्का फुल्का देखते हैं कि क्या समझ में आता है क्या नहीं आता, फिर चलते हैं हम भी यहाँ से थोड़ा सा। ये देखो गाइस वाइड एंगल, तो गाइस आ चुके हैं, देखो हमारे यहाँ पनीर पकौड़े आए, मिक्स पकौड़े हैं, चाय आई है, और हमारा बाकी का ऑर्डर ना आ रहा है इतना है ना, तो हमारे टेबल पे भी ना देखो डिश तो आने वाली है बहुत सारी। हाँ भाई कैसा लग रहा है पनीर पकौड़ा, ये देखो मुँह चल रहा है, हैं आ रहे हैं स्वाद। ये देखो गाइस तुम्हारा भाई भी खा के दिखाएगा, एक बहुत गर्म है तो बड़े सही भाई, सॉस से पता है देखो सॉस देखो कितनी सही है, समोसे वाली सॉस होती है ना वो है, ये देख के ही लग रहा है कि हाँ भाई सौठ। मेरा भी देखो गाइस भाई मिक्स पकोड़े में भी ना, मिक्स में भी हमने पनीर, मेरे में पनीर आ गया यहाँ पे, और सब जो जो उठा रहे हैं ना बता रहे हैं, गोभी आलू ये कौन सा है बताओ, बिना तोड़े बताना है, बिना तोड़े बताओ, गोभी लकी ड्रॉ निकालो, पकौड़े खत्म हुए तो देखो गाइस हमारे छोले भटूरे हैं, छोले भटूरे अगर खत्म होने वाले तो देखो मंचूरियन है, मंचूरियन अब खत्म हो गए तो हमारे है फ्राइड राइस, देख रहे हो कितना ऑर्डर कर दिया था हमने, पनीर पकौड़े बहुत बुरे बढ़िया थे, मिक्स पकौड़े बहुत बढ़िया थे, ये छोले भटूरे खाए थे, ये घर वाले छोले हैं बिल्कुल घर जैसे, और ये भी खाते हैं फटाफट फिर बताते हैं कैसे हैं। तो गाइस 80 किलोमीटर कवर करने के बाद आ चुके हैं हम यहाँ पे शिवा ढाबा, और खाना वाना आपने देखा कि हमारा बहुत ज़बरदस्त हो चुका है, रीजनेबल प्राइस भी इतना बढ़िया खाना मिल रहा है ना, सच बताऊँ तो मेरी बेस्ट डिश थी मंचूरियन, मेरे को सबसे ज़्यादा बहुत अच्छा लगा,
और सेकंड नंबर पे छोले ना घर वाले थे, छोले भटूरे ओके थे, और पकोड़े तो ये एक नंबर के थे। मैं पहले नंबर चेंज कर रहा हूँ, फिर से पकोड़ा है, वो पकोड़ा मेरा फर्स्ट है। और मिक्स पकोड़े ना लें क्योंकि मिक्स में पनीर है, ज़्यादा ही पनीर मिलता है, तो पनीर लें क्योंकि पनीर में ज़्यादा मज़ा आता है।